हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं थर्ड मेथड की। तो थर्ड मेथड में है क्या? इसमें बॉटम रेंज को लिया गया है। बॉटम रेंज से किस प्रकार, किस किस कैटेगरी की कैसी कट ऑफ निकालनी है वो बात है। तो पहले बता देता हूँ, जनरल जो पोस्ट हैं 528 पोस्ट हैं मेल फीमेल, जबकि जनरल की शुद्ध पोस्ट हैं 462। प्रोविजनल में पास होने का जो अनुमान है वो करीब 960 का अनुमान है। कैसे आया? 462 × 2.08, ज़्यादा नहीं कर रहे, उतना ही करना है जितना आरपीसी लिया है। राउंड फिगर में 961 पास होते हैं प्रोविजनल में। अब बात आती है रोस्टर। रोस्टर लगकर किस किस कैटेगरी के जनरल में फाइट किए हैं वो देख लेते हैं। अनुमानित बात करें, करीब 30% जनरल वाले ही जनरल में गए हैं, यानी उपस्थित हुए हैं। और ओबीसी के करीब 60% कैंडिडेट गए हैं, एससी के 6%, एसटी के 3% और एमबीसी के करीब 1%। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस कैटेगरी में कितना बॉटम मिला और कितना पॉसिबल है। तो अभी बात करते हैं कि कितना मिला है हमको अब तक बॉटम। जनरल बॉटम जो मिला है अब तक 207.33 मिला है दोस्तों, जबकि ओबीसी बॉटम की बात करें तो 188 मिला है, जो कि रणवीर मील जी सर ने वो हमारे चेक की और उन्होंने सभी को अवगत कराई दिया है। एससी बॉटम 178 मिला है, एमबीसी बॉटम 190 मिला है, एसटी बॉटम 150 मिला है। सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों, जनरल बॉटम कितना माने, क्योंकि ओबीसी बॉटम 188 है, विद प्रूफ मिल चुका है। जनरल बॉटम में प्रॉब्लम यह है कि वो कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है जो रोस्टर के बाद जनरल में काउंट हुआ है। अब हम देखें कि जनरल प्रो में कितने कितने कैंडिडेट किस किस कैटेगरी के पास हुए हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल के 960, यानी 960 तो प्रो में पास हुए हैं, ये तो है। तो हम 30% हमने माना पहले, वो देखते हैं, तो उसको लगाकर 288 कैंडिडेट होते हैं। ओबीसी के होते हैं 576 कैंडिडेट, एमबीसी के होते हैं 10 कैंडिडेट, एससी के होते हैं 58 कैंडिडेट और एसटी के होते हैं 29 कैंडिडेट। ये 960 में मल्टीपल किया गया है सभी कैटेगरियों का, जो कि मैंने पहले ही बता दिया गया है। तो इस तरह 961 कैंडिडेट होते हैं कंप्लीट। तो अब बात करते हैं कि जनरल में कितने फाइट हुए हैं, यानी जनरल की जो फाइनल मेरिट बनने वाली है उसमें कितने फाइट किए हैं जनरल प्रो वाले। तो 288 कैंडिडेट हमारे पास जनरल के हैं, इसमें भाग दें 2.08 का, क्योंकि 2.08 है। हमको करना क्या है, एक गुना लेना है जनरल का, और 1.08 को तो बाहर ही करना है, सभी को पता है। तो इस तरह 288 में इस जो कटपिट के आते हैं, भाग देने के बाद आते हैं, 138 कैंडिडेट जनरल के ही आते हैं। और ओबीसी में, यानी हमारे पास 576 कैंडिडेट हैं, उसमें 2.08 का भाग देने के बाद 276.92 कैंडिडेट, अर्थात 277 कैंडिडेट जनरल में फाइनल मेरिट में वहीं पे काबिज हो गए हैं। और एमबीसी के इसी तरह 5 कैंडिडेट, एससी के 28 कैंडिडेट और एसटी के 14 कैंडिडेट, सभी में उनकी जो प्रो पास हुए थे उनका भाग 2.08 से दिया गया है, इस तरह आए हैं। अभी हमने देखा कि जनरल कैटेगरी में जो कैंडिडेट गए वो इस रेंज में आई, यानी जनरल के 138 आए, ओबीसी के 277 आए और एमबीसी के 5 कैंडिडेट आए, एससी के 28, एसटी के 14, टोटल 462। तो इस प्रकार जनरल पोस्ट 462 फुल होने के बाद सभी कैटेगरी अपनी अपनी कैटेगरी में आ जाएंगी और जनरल फाइनल मेरिट से बाहर हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि सभी में कितना बॉटम पॉसिबल है। एक तो हमें पता है कि कितना मिला है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए दोस्तों कि पॉसिबल कितना हो सकता है, क्योंकि पॉसिबल पर ही टिकी हुई है बॉटम की रेंज। तो पॉसिबल बॉटम रेंज जानते हैं, सबसे पहले जनरल।
सबसे बड़ा हार्ड काम है जनरल की बॉटम रेंज निकालना। हमें जनरल का ओनली ये पता है कि 207.33 पर पास है, तो जनरल बॉटम का निर्धारण करने के लिए ओबीसी बॉटम का इस्तेमाल करना होगा। सोच रहे होंगे कि ओबीसी बॉटम का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? करना होगा दोस्तों, अभी समझ में आएगा। ओबीसी बॉटम 188 है, रणवीर मिल जी ने बताया। 188 नहीं मानते कि इतने नंबर होंगे, हो सकता है एक दो क्वेश्चन डिलेट होने के बाद उस कैंडिडेट के करीब 3 मार्क बढ़ते हैं, तो 191 हो जाते हैं, क्योंकि की में कोई चेंज हो सकता है। अब इससे पहले ये देखना जरूरी है कि ओबीसी की शुद्ध पोस्ट कितनी है। 184 है, 210 नहीं, शुद्ध पोस्ट की बात कर रहे हैं। और 184 में गुना करें 2.08 का, तो 382.72, राउंड फिगर 383 कैंडिडेट पास होते हैं ओबीसी में, यानी ओबीसी का जो दोगुना है 2.08 है, उससे 383 कैंडिडेट आते हैं। 383 जो कैंडिडेट हैं जो ओबीसी में ही हैं, ये तो बात है कि उनका नंबर यहाँ आने वाला नहीं है ओबीसी की मेरिट के अंदर, तो वो भार कैसे होंगे वो देखना है। करीब मैंने जो आइडिया लगाया है 12 अंक 383 में 12 का भाग दें तो 31.91 आता है, राउंड फिगर 32, अर्थात 32 कैंडिडेट प्रत्येक एक मार्क पर, प्रत्येक एक मार्क पर औसत है, जो कि लाजमी है। यानी 191 से स्टार्ट किया और 12 जोड़ा, कितना हुआ 203, यानी 191 से लेकर 203 तक जो कैंडिडेट ओबीसी के थे कितने थे 383, ये सभी आउट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी जनरल बॉटम निकल आएगा, तो ये आता है 203। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जो जनरल में जो ओबीसी वाले हैं, जो हमने 60% माने, जो जनरल में ओबीसी वाले हैं 60% जो माने, वही अपनी ओबीसी की वापस पोस्ट पे आएंगे, ये ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात। अब हमारी प्रॉब्लम ओनली ओबीसी बॉटम ने समाप्त कर दी। जैसा कि हमने मेथड लगाया, जिस प्रकार जनरल की बॉटम रेंज जो 207.33 प्राप्त हुई थी वो अब 203 आ गई है। दोस्तों मोहर लगा देता हूँ 203, 203 से ना आपको ऊपर मिलेगा ना 202 मिलेगा। एक दो मार्क हो सकता है, इतना मैं आरपीएससी नहीं, लेकिन इर्द गिर्द आपको 203 पे जनरल बॉटम मिलेगा। तो इसी प्रकार अब कैटेगरी में भी हम ऐसा कर सकते हैं, यानी 4-4 मार्क्स लॉस कर सकते हैं। कैसे, अभी देखिए, पॉसिबल बॉटम आल कैटेगरी, जनरल का कितना मिला 203 मिला, ओबीसी का कितना है 191 है, दोनों आपको पता है। लेकिन अब करना क्या है, एमबीसी का जो बॉटम मिला 190 मिला हमको, तो जिस तरह 207.33 था जनरल हमको जो पहले मिला था, पॉसिबल कितना आया 203 आया, यानी 4 का अंतर आया। इसी प्रकार हम हर कैटेगरी में 4-4 का अंतर करेंगे और करना ही होगा। एमबीसी में 190 जो मिला उसमें माइनस 4 कीजिए, 186 बॉटम आता है, यानी एमबीसी का बॉटम हुआ पॉसिबल 186। एससी का 178 मिल चुका है, माइनस 4 करने के बाद 174 बॉटम आया। एसटी में 150 मिला है, माइनस 4 करें तो 146 बॉटम आता है। दोस्तों मानो या ना मानो, ये तो मानना ही पड़ेगा, जो मेथड लगाया है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पॉसिबल बॉटम पता चलने के बाद अब बात करते हैं कट ऑफ की। जनरल कट ऑफ, जनरल बॉटम 203 है, तो प्रो में पास कितने हुए 961 हुए, जबकि पोस्ट 462 हैं, तो 961 में हम कितने का माइनस करेंगे 462 का, बचेंगे कैंडिडेट 499,
यानी 499 कैंडिडेट प्रो जनरल से बाहर होंगे। 203 से ऊपर जाना पड़ेगा, 203 से करीब 215 तक जाते हैं, अर्थात 13 मार्क की रेंज में करीब 38-39 कैंडिडेट की रेंज से 499 कैंडिडेट आउट हो जाएंगे, यानी वहाँ पर प्रत्येक मार्क पर एवरेज 38-39 कैंडिडेट की आएगी। तो जनरल फाइनल कट ऑफ बाई बॉटम मेथड, एक्सेप्ट आती है 216 और परफेक्ट आती है 214 से 218, जबकि जनरल के प्रो के करीब 150 कैंडिडेट आउट हो जाते हैं जिनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब बात करते हैं 288 माइनस 138 की आए 150 आए थे, ओबीसी कट ऑफ की बात करें, ओबीसी बॉटम कितना है 191 है, जिसका महत्व केवल कितना था कि जनरल बॉटम निकालना था। अब देखते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो जनरल प्रो से आउट हुए वो कितने हैं, वो 299 हैं दोस्तों। कैसे? क्योंकि जनरल प्रो में ओबीसी के 60% के हिसाब से 576 गए और 576 हुए, जबकि जनरल की फाइनल मेरिट में कितने गए 277 गए, तो बचे 299, जबकि शुद्ध पोस्ट 184 हैं ओबीसी की, तो 299 से 184 करते हैं तो 115 कैंडिडेट को बाहर होना होगा। तो 115 कैंडिडेट में हम नॉर्मली 4 मार्क पेन को सिमटाएं तो 28.75 की रेंज आती है, यानी 28-29 कैंडिडेट ईच मार्क पर बाहर होते हैं। तो 203 प्लस 4 यानी 207, तो ओबीसी कट ऑफ ऑफ फाइनल बाई बॉटम मेथड तो एग्जैक्ट आती है 207, परफेक्ट आती है 205 से 209। 191 ओबीसी प्लस कितना हुआ 207 तक, 16, यानी 16 मार्क बढ़े, जो हम अनुमान लगा रहे थे 12-13-15, यानी 16 मार्क बढ़े। इसी प्रकार अब सब कुछ सॉल्व है, हो गया है। अब हम कैटेगरी में निम्न प्रकार मार जोड़कर निकाल सकते हैं एमबीसी कट ऑफ, बॉटम कितना था 186, इनमें हम ज़्यादा नहीं जोड़ना, केवल 10 जोड़ेंगे तो 196 कट ऑफ आती है, एग्जैक्ट 196, परफेक्ट 194 से 198 एमबीसी की। एससी कट ऑफ मेथड बॉटम वाला, बॉटम 174, इसमें थोड़ा ज़्यादा जोड़ेंगे 12, 174 में 12 जोड़ते हैं तो 186 आता है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ ऐसी की आती है 186 और परफेक्ट आती है 184 से 188। एसटी कट ऑफ बाई बॉटम मेथड, इसमें भी हम 12 जोड़ेंगे, 146 बॉटम मिला, 12 जोड़ने के बाद 158, परफेक्ट रेंज आती है 156 से 160, एग्जैक्ट आती है 158। तो आज का ये मेथड थर्ड मेथड समाप्त हुआ दोस्तों। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो। अब सभी से विदा लेना चाहता हूँ, ये जो भी मैंने प्रयास किया आपके लिए फुल प्रयास किया है, कोई कमी रह गई हो तो ज़रूर बताना। थैंक्स।